पंजाब के समूह अध्यापक के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक साझा हमारा एक मीटिंग हुई, उसमें फैसला होया कि इलेक्शन के बारे में जो पंजाब के अध्यापकों को मुश्किलें आती हैं उसके बारे में हम सारा एक संगठन इकट्ठा बना के समूह अध्यापकों के सांझे मोर्चे के तरफ से इलेक्शन कमीशन साहब को जितनी भी मुश्किल आती है, जिसमें सबसे बड़ी हमारी मुश्किल ये होती है कि पंचायत इलेक्शन में मौके पे हमको काउंटिंग करानी पड़ती है। उस काउंटिंग के दौरान जो भी उम्मीदवार लूज करता है वो उसको ये लगता है कि जो पोलिंग पार्टी है शायद उसने हमारे साथ कोई धोखा किया। इस बारे में जबकि हम पंजाब के अध्यापक जो असली लोकतंत्र आ लोकतंत्र के को खड़ा रखने के लिए चाहे वो इलेक्शन किसी भी तरह की हो, पंचायत की हो, लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, और उस दौर में भी जब लोकतंत्र पे बड़ा खतरा था उस समय भी पंजाब के अध्यापकों ने अपनी जानों को कुर्बान करके इलेक्शन की हर तरह की ड्यूटी है जी उसको निभाया है। परंतु पिछले समय से पंचायत इलेक्शनों में खास करके अध्यापकों पे बड़े पत्र पे जो मुश्किल आती है, दिक्कत आती है, उन पे जो हमले होते हैं वो हमारे के लिए चिंता बड़ा विषय था। मेन हमारा ये इशू है। और इसके साथ ही पंचायत इलेक्शनों में अध्यापकों को मेहनताना जो चुन का स्टाफ होता है उनको नहीं मिलता, वो मेहनताना हमारे को भी और ख़ास तौर पर पिछले समय से हमारे स्कूलों में जो मिड डे मील वर्कर काम करते हैं उनको खाना तैयार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उनको कोई खाना तैयार करने का योग ना तो मेहनताना दिया जाता है, ना ही जो वो राशन लेते हैं जहाँ स्कूल का मुखी लेता है जहाँ वो लेते हैं, ना ही उनको योग राशि उस राशन की दी जाती है। ये हमारी एक ये मांग थी। और इसके बाद हमारी जो चोन का जो प्रोसेस होता है उसमें लगातार बड़े पदर पे अध्यापकों की ड्यूटी लगती है। ड्यूटी देने का हमारे को कोई चिंता नहीं, ड्यूटी देनी है, लेकिन बहुत ऐसे समय फेस्टिवलों का मतलब समय है और हफ्ते के बाद एक छुट्टी आती है और उस समय भी संडे भी है जेड़ा उस दिन भी रेस्ट लगाई जाती है और उसके बदले में कोई कंपनसेट नहीं किया जाता, कोई छुट्टी नहीं दी जाती। इस करके हमारी ये रिक्वेस्ट भी कि जो चोन ड्यूटी वाला दिन है उससे अगला दिन भी रेस्ट का हमारे के लिए घोषित किया जाए और जड़ियाँ जो रिहर्सल्स होनी हैं वो संडे और किसी गजटेड छुट्टी को ना होकर वर्किंग डे में होनी चाहिए। ये सारे जो भी प्रोसेस हैं जिन्हियाँ भी तमाम हमारे को मुश्किलें हैं उनका हमने एक चार्ट बना के दिया। और दूसरा हमारा ये था कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे हर एक प्रकार के अध्यापकों की पदोन्नतियों हो रही है, उन पदोन्नतियों को पंजाब सरकार जी विभाग आ वो मतलब इस गल के लिए ये बता रहा है कि इलेक्शन के दौर में इसमें दिक्कत आ रही है, वो भी हमने अपने इस जिहड़ा सांझा साडा संगठन है इस संगठन के तरफ से चोन कमीशन को बेनती की आ कि ये प्रोसैस है जिहड़ा कंटिन्यू चलना चाहिए। तो कैसा आश्वासन कैसा मिला आपको? देखो जो उनका कहना है उन्हें इस बात पर तो बिल्कुल सहमत हुए हैं कि इन इलेक्शनों में जो काउंटिंग के दौरान जो कुछ भी वापरता है हमें वो मालूमगा। उनका ये भी कहना था कि हमने जतन किया था लेकिन 11,000 के करीब कैंडिडेट होने करके हम इसको इस साल इस समय इसको पूर्ण रूप से लागू करने में हमारे को कुछ मुश्किल लगी, इस करके लागू नहीं कर पाए। पर लेकिन जो लोकल बॉडी की और चोन होएगी उसमें हम जतन करेंगे कि इन जो काउंटिंग का काम है वो अगले दिन किसी केंद्रित जगह पे करवा सकेंगे। और हमारा फिर भी उनको यही कहना था कि ये बड़ी मुश्किल है, वो हमारी जितनी भी मांग है चाहे वो हमारे छुट्टी की है, रेस्ट डे की है, चाहे हमारे मेहनताने की है, उन्होंने कहा कि मेहनताने के लिए भी हमने एक नोट बनाकर सरकार को भेजा है, वो चाहे गिनती की है, वो सभी बातों में के साथ हमारे साथ सहमत हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं एक जो ड्यूटियां भी किस पदर पे कैसे लगनियाँ सबसे बढ़िया कि हम चाहते हैं कि इस समय जो भी ड्यूटी चाहे उसमें पुरुष अध्यापक या पुरुष मुलाजम है या कोई साडा फीमेल मुलाजम है उनकी जड़ी ड्यूटी आ वो इस दौर में जा तो उनके रहशी जगह के साथ लगनी चाहिए या जा उनके जहाँ पे वो वर्क करते हैं उनके वर्किंग प्लेस के
अनुसार लगनी चाहिए। वो कमिश्नर साहब का कहना है कि जितनी भी तुम्हारी मांग है उनको हम चंगी तरह स्टडी करके हेठले पासे जो भी मतलब अधिकारी हैं जो अधिकारी हैं उनको सारों को भेजी जाएगी और इसका जोग जो हल है वो किया जाएगा, ये हमको उन्होंने आश्वासन दवाया है। थैंक यू।